नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर शहर में शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू लगाया गया। नागपुर में मुख्य बाजारों को शनिवार और रविवार को बंद रखा गया था, बाकी 5 दिन 50% की क्षमता में बाजार खुल सकते हैं। महाराष्ट्र में जानलेवा कोरोना वायरस की प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नागपुर जिले के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। प्रशासन ने जिले में स्कूल और कॉलेज 7 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। साप्ताहिक बाजारों को भी 7 मार्च तक बंद रखा जाएगा। महाराष्ट्र में जानलेवा कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। ताज़ा गाइडलाइन के मुताबिक नागपुर में मुख्य बाजारों को शनिवार और रविवार बंद रखा जाएगा। वहीं शादियों के लिए बुक होने वाले मंडप और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी 7 मार्च तक पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को कार्यक्रमों पर भी फैसले लेने के लिए 25 फरवरी तक समय दिया जा रहा और प्रशासन को आदेश दिया है कि वो 25 फरवरी तक कार्यक्रम को लगाने वाली जानकारी लोगों तक पहुंचा दे। और उसकी बढ़ती संख्या को नजर में रखते हुए हमने शनिवार और इतवार को पूरा बंद करने का, मार्केट बंद करने का निर्णय किया। और उस कारण मैं आज देखने के लिए निकला था यहाँ पर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने काफी चोक व्यवस्था बजाई है और अच्छे से शांततापूर्ण ढंग से लोग अपने घरों में ही अपने आप को सीमित कर उन्होंने रखा है। आखिर में जनता की जान बचाना, उनकी सुरक्षा करना ही हमारा ध्येय होता है सरकार करके, और पूर्ण रूप से उसे करने के लिए हम तत्पर है।